संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। दर्शन में ही चल रहे हैं, व्याकरण को छूने रहे हैं इस समय, और योग दर्शन सांख्य दर्शन को लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। आज सांख्य कारिका में कुछ तीन कारिकाओं के बारे में जानेंगे। उसमें हमने जो बुद्धि थी, बुद्धि के धर्म जाने थे, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे और उन से क्या होता है, उनके लाभ क्या हैं या उनसे किस चीज़ की प्राप्ति होती है। जो बुद्ध के रूप मान लो, बुद्धि के, या धर्म मान लीजिए, आप जो भी उनको नाम ले देना चाहें वो दे सकते हैं, उनको जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सांख्य कारिका, ठीक है, इसमें एक कारिका है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सांसिद्धिकाश्च, भावा, प्राकृतिका, वैकृताश्च, धर्माद्या, ये बोला गया है। अभी थोड़ी सी अभी लाइन हो रहा है, उसे देखेंगे बाद में। सांसिद्धिकाश्च, भावः, प्राकृतिका, वैकृताश्च, धर्माद्या, अर्थात धर्म आद्या, ये शब्द जो प्रयोग किया गया है, हम जानते थे धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य अवैराग्य, ठीक है। ये आठ बुद्धि के धर्म माने गए हैं, इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है धर्माद्या। तो यहां पर जो बुद्धि के धर्म है वो भाव माने गए हैं, ये जो है आठों, ये भाव के अंतर्गत माने गए हैं, यानी कि भावा, भावा कौन से, धर्माद्या, यहां है भावा के नाम से जाना गया है। भाव का मतलब क्या होता है, भाव का सीधा तात्पर्य वैसे तो क्रिया से भी होता है, क्रिया ही भाव का एक रूप होती है, परिणाम मान लीजिए इसका, आप जो भी इसका अर्थ लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, सांसिद्धिक, प्राकृतिक, वैकृताश्च, ये तीन शब्द दिए गए हैं कारिका में, लेकिन इनकी जो व्याख्या की गई है वो थोड़ी सी दो तरह से व्याख्या की गई है। एक सांसिद्धिक का मतलब क्या होता है, स्वभाव सिद्ध, ठीक है ना, इसको स्वाभाविक भी बोल देते हैं, ये सांसिद्ध होता है सांसिद्धिक। प्राकृतिक भी वही चीज होती है, स्वाभाविक। वैकृत मतलब होता है जिससे कोई मेहनत करके किसी कार्य में परिणति की जाए, यानी कि उसमें परिवर्तन की जाए, जिसमें विकार उत्पन्न किया, जो था उसमें विकार उत्पन्न किया जाए, उसको वैकृत भाव बोलते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो होता है, एक तरह से मान के चलिए, है ना, परिणाम स्वरूप जो होता है, ये स्वाभाविक, या किसको मानी, कृत्रिम, कृत्रिम शब्द ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, जो कृत्रिम शब्द है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा बढ़िया है, परिणाम की अपेक्षा। कृत्रिम रूप से हम किसी कार्य को जबरदस्ती या किसी योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसमें परिवर्तन करते हैं, वो वैकृत के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर तीन शब्द लाने की आवश्यकता क्या थी, सांसिद्धिक भी है, प्राकृत भी है, और वैकृताश्च, वैकृताश्च तो समझ में आ रहा है, विकृति शब्द समझ में आ रहा है, सांसिद्धिक समझ में आ रहा है, लेकिन प्रकृति शब्द है, इनमें से दोनों को एक को लाना चाहिए था, लेकिन यहां पर दो शब्द लाए हैं। तो इसके आधार पर कुछ आचार्य ने दो प्रकार से इनकी व्याख्या दी है,
इन दोनों को अलग माना है। इसको सांख्य सिद्धिकों को माना है जो जन्म के साथ स्वतः ही प्राप्त होती होने वाली सिद्धियां या प्राप्त होने वाले गुण या भाव। दूसरी, जैसे ही आप जो जन्म से सिद्ध हो वो तो सांख्य सिद्धि हो गई, उसके बाद जन्म से जन्म लेते ही प्राकृतिक रूप से उसको कुछ चीजें प्राप्त हो जाए वो प्राकृतिक, फिर आदमी जो व्यकृतित्व मैंने बताई दिया कृत्रिम में उसको आदमी बनाता है अपने आप से, इस तरह से व्याख्या की है। लेकिन ये व्याख्याएं सही नहीं मिली और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई व्याख्या की जा सकती है, दोनों का मतलब एक ही है इसलिए एक ही अर्थ लेना है। इसको क्यों उन्होंने प्रयोग किया है इसका सही से व्याख्या किसी ने नहीं कर पाए हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ऐश्वर्य अनैश्वर्य वैराग्य अवैराग्य ये भाव हैं, ये दो प्रकार के हैं, ये स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वभाव से सिद्ध हैं यानी कि जन्म लेते ही जो चीज तुमको प्राप्त होती है एक तो वो, और जन्म के बाद आपके प्रयत्नों से जो कार्य किए जाते हैं वो। इनको एक तरह से और आप प्रयोग कर सकते हैं जन्म कुंडली के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं करना चाहें तो, जो बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, तो जन्म कुंडली इन्हीं गुणों के आधार पर बनाई जाती है जो सांसिद्धिक जो प्राकृतिक होते हैं जो बच्चा लेकर के पैदा होता है, और उसके भविष्य में क्या होने वाला है इस चीज को जन्म कुंडली बोलती तो है लेकिन उसको वो बदल भी सकता है वो प्रयास से यानी कृत्रिम यानी परिणाम से, विकार भाव पैदा करके उसमें विकार उत्पन्न करके तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारी चीजें करके वो उसमें बदलाव भी कर सकता है जो जन्म कुंडली बनाई है। इसीलिए जन्म कुंडली पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो वास्तव में कुछ जानते ही नहीं है। 99% भाग जन्म कुंडली बनाने वालों का खुद अपने बारे में नहीं जानते, जो 99% होते हैं वो जानते नहीं कि जन्म कुंडली होती क्या है कैसे बनाई जाती है, वो पत्रा रख लेते हैं और उसी के आधार पर गुण मिलाकर के दोष मिलाकर के और ये ग्रहों के इधर उधर चाल देख करके बना डालते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये कह रहा है कि सांसिद्धिकाश्च भावः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या, यानी धर्मादि के दो भाव हैं वो सांसिद्धिक यानी स्वभाव प्राकृतिक और व्यकृत। आगे बोला गया है दृष्टः आश्रयण कार्य आश्रयण श्रेण, ठीक है, दृष्टा कर्णाश्रय कार्याश्रयणाश्च कललाद्या। अब यहां पर दो चीज है इनको इनकी तरफ ही व्याख्या करेंगे, एक ये और एक ये। पहली बात सुनो, भाव दो माने हैं उन्होंने, एक तो धर्मादि भाव मान लिए, दूसरे कललादि। कललादि कौन कौन से होते हैं इसको थोड़ा सा जान लें। कलल बुध बुध मांस पेशियां करंड अंग प्रत्यंग व्यूह, ये आठ हिस्से माने हैं उन्हें इन्होंने भाव के। भाव दो प्रकार के माने हैं, एक धर्माद्य आदि और कलल आदि। धर्म आदि हम जानते हैं आठ होते हैं, एक दो तीन और चार, चार के अपोजिट भी यानी विपरीत भाव में भी धर्मादि भी आठ होते हैं और कलल आदि भी आठ ही होते हैं। ये भाव दो भाव बांट दिए हैं तो यहां पर प्रश्न बन जाता है, थोड़ा सा लिख दूं, ये थोड़ा उलझाव वाला मामला हो गया। भाव कितने हो गए? दो। एक और हो गया धर्म आदि,
और दूसरा हो गया कलल आदि, ये दो भाव माने गए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो भाव है सांसिद्धिकश्च भावः प्रकृति व्यकृताश्च धर्मा, वो धर्म के अंतर्गत आता है। फिर धर्म के दो भाग कर दिए गए हैं, स्वभाव स्वाभाविक या जन्म सिद्ध मानिए इसको, है ना, जन्म सिद्ध ज्यादा अच्छा है शब्द, या जन्म से जो प्राप्त होती है चीजें वो, दूसरा व्यकृत विकार भाव परिणति भाव या कृत्रिम, इसको एक नाम से और जान सकते हैं आप निमित्त, और इसको नैमित्तिक, ये अलग अलग दोनों नाम और हैं, इसको नैमित्तिक भी बोल सकते हैं और इसको निमित्त बोल सकते हैं। तो भाव दो थे धर्मादि और कललादि, धर्मादि आठ होते हैं, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐसे ही कलल आदि भी आठ होते हैं, कलल बुद्ध पेशी मांस पेशियां करंड अंग प्रत्यंग और व्यू। अब थोड़ा इसको समझते चलो, कलल जो होता है, ये वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं तीन कारक समझाऊंगा जी, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपके। कलल का तात्पर्य होता है जब वीर और रज दोनों जब मिलते हैं, मिलने से जो उत्पत्ति होती है उस अवस्था को कलल बोला जाता है, जिस समय गर्भाधान होता है उस क्षण को कलल बोला जाता है। जैसे ही थोड़ी सी समय व्यतीत होता है, एक हफ्ता या कुछ और थोड़ा सा कम, तो उसमें बुद्ध यानी कि वो बुलबुले के रूप में थोड़ा सा बढ़ जाता है, वृत्ताकार रूप में उसको बुलबुला बुद्ध बोला गया। इसमें वही रज जो था या अन्नाणु बोलिए, उसमें जब रजवीर मिलते हैं तो वो बनता है, वो एक बूंद के रूप में ही होता है वो भी, लेकिन थोड़ा सा और बूंद के रूप में बढ़ जाए, बुलबुले के रूप में हो जाए, उसको बुद्ध बोला गया है। फिर उन्हीं से मांस की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में फिर जब और बढ़ जाता है तो मांस बनता है, मांस से फिर वो थोड़ा और टाइट हो जाता, कट हो जाता, पेशियां शुरू हो जाती हैं, मांसपेशी जिनको बोला जाता है, मांस फिर पेशियां बनना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद में पेशियों का और कठोर होना ही करंट की अवस्था कहलाती है। फिर जब और कठोर हो जाता तब उसमें अंग बनते हैं, जैसे आपका सर बनेगा, हाथ बनेगा, पैर बनेंगे, अंग बनना शुरू हो जाएंगे, अंग बनेंगे, फिर उनमें प्रत्यंग बनेंगे। प्रत्यंग में जैसे आपका सर बना, सर में कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, ये प्रत्यंग के रूप में माने जाते हैं, ये अवस्था आती है। उसके बाद में व्यूह यानी कि स्थूल शरीर में परिणति हो जाती है उस गर्भ की। फिर वो गर्भ जो है गर्भाशय से यानी कि स्थिति में हो जाता है। जब तक वो गर्भस्थ है तब तक वो स्थिति भाव की कहलाती है, यानी कि वो भाव है, ठीक है। जैसे धर्म आदि किस पे आश्रित होते हैं, धर्म आदि आश्रित होते हैं बुद्धि पर, ये बुद्धि पर ये आगे बताया जाएगा, बुद्धि पर आश्रित होते हैं। और ये कलल आदि जो अवस्थाएं आठ अवस्थाएं होती हैं वो किस पर आश्रित होती हैं, वो अपने कार्य शरीर पर आश्रित होती हैं, जो कार्य में परिणति होगी अर्थात स्थूल शरीर पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको यहां समझ में आ गई है, चलो इसको आरती देख लेते हैं हम। सांसिद्धिकाश्च भावः प्राकृतिक का व्यकृताश्च धर्माद्या, यानी कि जो भाव हैं धर्मादि वो दो प्रकार के हैं, एक सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक, दूसरे व्यकृत अर्थात कृत्रिम, उसे जिनको आप हाँ बना सकते हैं यज्ञ आदि करके, हवन आदि करके, तपस्या करके उसमें श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को आप सही कर सकते हैं। ज्ञान धर्म नहीं है, कोई अधर्मी है, अधर्मी के यहां जन्म लिया है तो वो अपने स्वभाव से अपने तपस्या के बल पर वो धर्म को भी प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है मेहनत करके, ऐश्वर्य और वैराग्य से भी उसकी परिणति हो सकती है, वैराग्य में ही परिणति हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था जो है वो कृत्रिम यानी व्यकृत के अंतर्गत आएगी, निमित्त के अंतर्गत, नैमित्त के अंतर्गत आएगी, किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाए, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं दृष्टा करणाश्रयण कार्याश्रयणाश्च कललाद्य, और जो धर्मादि है, जो धर्म आदि है वो अपने करण से करण पर आश्रित है, ये मुख्य है इसमें बात, ठीक। अब ये धर्म आदि जो है, धर्म अर्थ धर्म अधर्म ज्ञान ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये आठों हैं जो भाव हैं, वो किस पर आश्रित हैं, वो अपने करण पर आश्रित हैं, और करण कौन है इसका, बुद्धि। तो आश्रित किस पर हो गई, बुद्धि पर आश्रित हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहे हैं कार्याश्रयणाश्च कललाद्या, और जो
कलल हैं, जो भाव हैं, वो अपने कार्य पर आश्रित हैं। यहां पर ये कर्ण पर आश्रित थे धर्मादि, और कलल आदि वो अपने कार्य पर आश्रित होंगे। और कार्य क्या है? व्यूह के बाद में जो स्थूल शरीर आता है, स्थूल शरीर को पर आश्रित हैं ये कलल आदि जो आठ भाव हैं। ये इसका पूरे का तात्पर्य है। ठीक है, इतनी बात इसमें समझ में आ जाती है। तो अब हम आगे जो भी इनके गुण हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान वगैरह अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इनको जो भाव हैं उनसे क्या प्राप्त होती है, उनसे क्या लाभ मिलता है, आगे जा करके इसमें पता करते हैं। इसमें पहले धर्म और अधर्म के बारे में बोला गया है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, गमनम अधस्ताद भवत्यधर्मेण। मतलब धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, यानी कि धर्म से स्वर्ग आदि, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर आपका गमन होता है। यदि बुद्धि का भाव जो है वो धर्म आदि रहे किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसका गमन ऊपर की ओर होता है, स्वर्ग आदि जो तल माने गए हैं या जो लोक माने गए हैं उसमें उनकी प्राप्ति होती है, अर्थात वो उनको प्राप्त कर लेता है। गमनम अधस्ताद भवत्य अधर्मेण, और अधर्म से वह नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर जाता है। जैसे अतल वितल सुतल रसातल तलातल पातल ये माने गए हैं, सात तल नीचे सात तल ऊपर माने गए हैं, वो नीचे की ओर उसको पाताल आदि लोग उसको प्राप्त होते हैं। आगे बोला गया है ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्य दिश्यते दिश्यते बंधा। मतलब धर्म से ऊपर के लोक प्राप्त होते हैं जो सातों होते हैं, अधर्म से नीचे के लोक, स्वर्ग आदि ऊपर के लोक हैं, पाताल आदि नीचे के लोक हैं। ज्ञानेन च अपवर्गो, और ज्ञान से यानी विवेक ख्याति से, ज्ञान से तात्पर्य है विवेक ख्याति, विवेक ख्याति से आपको अपवर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विपर्याद शते बंधा, और उसके विपरीत, ज्ञान के विपरीत क्या है? अज्ञान। ज्ञान के विपरीत क्या है? अज्ञान है। अज्ञान से क्या है? बंधन मिलता है। यहां पर अज्ञान के भी तीन भाव किए गए हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है वैकृत या वैकारिक, और तीसरा है दाक्षिणक। ठीक है, ये तीन प्रकार के बंधन होते हैं। प्राकृतिक बंधन क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं तो समझ में आ जाएंगी बातें। प्राकृतिक बंधन, वैकृतिक या वैकारिक बंधन और दाक्षिणिक बंधन। प्राकृतिक बंधन है जो व्यक्ति मूल प्रकृति को या अव्यक्त को आत्मा मान करके या पुरुष मान करके उसकी उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक बंधन में बंध जाता है। और ऐसा बोला गया है इसमें कि 100,000 मनवंतर तक वह प्रकृति में यानी मूल प्रकृति में लीन होकर के रहता है, यानी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का मतलब है इनसे हट जाना। तो वह जो पुरुष है वो उसमें लीन होकर के प्रकृति में लीन हो जाता है। कितने मनमंत्र तक रहता है? 100,000 मनमंत्र तक लीन रहता है। उसका जन्म मरण नहीं होता, यह बात दूसरी है। इसको विधेय बोला जाता है। वैकृत में जो वैकारिक है, अर्थात इसमें तीन चीज आती हैं। ये पहला आता है इंद्रिय, दूसरा है भूत, तीसरा है अहंकार, और चौथा है बुद्धि।
ये चार चीजें हैं, यानी कि कोई व्यक्ति यानी इंद्रियों को, जैसे चार वाक आदि को जानते हैं हम, इंद्रियों को यदि आत्मा के रूप में मानता है, जब आप वेदांत अगर अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा चारवाक इन सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आत्मा के रूप में ही मानता है। तो इसमें व्याख्या की है, यदि प्रकृति को मानता है तो 100,000 मन्वंतर तक वह उसमें प्रकृति में लीन होकर के जिसकी उपासना करता है वो उसी में लीन होता है, क्योंकि हम जानते हैं सूक्ष्म रूप में भी मौजूद होती है सारी चीजें, प्रकृति तो होती है व्यक्त रूप में। तो इसमें 10 मन्वंतर तक और इसमें 100 मन्वंतर तक, अहंकार को पूजने वाले 1,000 मन्वंतर तक और बुद्धि को पूजने वाले 10,000 मन्वंतर तक उसमें ही लीन होकर के आनंद से रहते हैं। उनको एहसास नहीं होता, सुख दुख का एहसास नहीं होता, ये बात दूसरी है, लेकिन वो उन मन्वंतर के बाद में पुनः वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये इंद्रियों की उपासना करने वाले या इंद्रियों को आत्मा मानने वाले 10 मन्वंतर भूत आदि हैं, उनको आत्मा मानने वाले 100, अहंकार को ही आत्मा मानने वाले 1,000 और बुद्धि को ही आत्मा मानने वाले 10,000 मन्वंतर तक उसी में विलीन होकर के जिसकी वो पूजा करते हैं आत्मा को मान करके लीन रहते हैं, और उसके बाद फिर वो जन्म मरण के चक्र में भी आ जाते हैं। दाक्षिण क्या होता है, इसमें आपको बात थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, अज्ञान के कारण ये बात आ रही है, अज्ञान के कारण कोई प्रकृति को मान लेता है कि सारी प्रकृति ही नेचुरल ही ईश्वर है, आत्मा है, यही सब कुछ चलती है, इस तरह से पूजा करते हैं पाठ करते हैं। लेकिन कोई इस तरह से कोई इंद्रिय को, कोई बुद्धि को, कोई भूतों को, भूत का मतलब पंच महाभूत जो है उनको ही सब कुछ मान लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो भी इस तरह से रहते हैं। दाक्षिणिक का मतलब क्या है, दाक्षिणिक का मतलब होता है इसमें इष्ट और पूर्त दो शब्द दिए गए हैं, इष्ट और एक दूसरा है पूर्त। इष्ट जो शब्द प्रयोग किया गया वो यज्ञ आदि से संबंधित है, पूजा करना, यज्ञ करना, हवन वगैरह जो करना, उसके लिए इष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्त से तात्पर्य यहां जो प्रयोग किया गया है, पूर्त से तात्पर्य है जिससे किसी की पूर्ति की जाए, अन्न देना किसी को दान में, कुआ खुदवाना, बावड़ी लगाना, प्याऊ लगवाना, दूसरों की सहायता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो पूर्त के अंतर्गत आते हैं। तो दाक्षिण में इनसे लोग सोचते हैं कि मुझे इनसे लाभ मिलेगा, यज्ञ आदि से वो अपने मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनाने की कोशिश करते हैं, पुण्य एकत्रित करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे इससे जीवन यापन करने में, पुण्य इकट्ठा करने में लाभ मिलेगा और मैं मोक्ष की तरफ गति कर पाऊंगा। लेकिन यहां उल्टा है, यहां है यज्ञ आदि यदि आप करते हैं, हवन आदि यदि करते हैं, पूजा आदि मनन चिंतन आदि आदमी यदि करते हैं, मंदिर में जाकर के तीर्थयात्रा करके करना आपको इष्ट है, अगर वो लगता है तो उससे लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन वो आपको बंधन में डालेगा। और ऐसे ही किसी को किसी प्रकार का दान करना वो आपको बंधन में ही डालेगा, क्योंकि आपने जो कर्म किया ये कर्म ही तो है, तो वो कर्म का फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वो अगली बार जन्म लेने से ही मिलेगा। तो इसमें दाक्षिणिक में जो कहा गया है इनमें तब भी आपको लीन हो जाते हैं कुछ मन्वंतर के लिए, लेकिन इसमें आप कभी भी लीन नहीं हो पाते। और पूजा पाठ हवन आदि करने वाले लोग, दान दक्षिणा करने वाले लोग बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और वो बंधन में पड़े ही रहते हैं। ये दाक्षिणिक के अंतर्गत आता है, याद रखना है इस बात को। इसलिए वेदांत शुरू से ही, वेदांत में भी यही कहा गया है कि जो माला वगैरह पहनते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, उनके लिए वेदांत का ज्ञान नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके लिए वेदांत नहीं है। वही बात ये भी कह रहे हैं कि यदि इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो उनको अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है, वो हमेशा बंधन में ही पड़े रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में लगे रहेंगे। ये इसमें तात्पर्य है। कुछ लोग हैं जो जैसे आर्य समाज ही है हमारे, वो लड़ाई करते रहते हैं यज्ञ के ऊपर ही, और कुछ हैं जो यज्ञ के ऊपर ना लड़ाई करते हैं, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं ये बहस लगी रहती है। तो इसको अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये कुछ और बात कर रहे हैं। तो हमारे ग्रंथ भी अलग अलग तरीके की बात करते हैं, ठीक है। हवन से इसका मतलब ये नहीं कि हवन छोड़ दिया जाए, हवन से जब तक संसार है हवन से लाभ मिलता है। कर्म दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक कर्ता के रूप में और एक बिना कर्ता के रूप में। यही तो अर्जुन को समझाया था कि तुम युद्ध करो लेकिन कर्ता के रूप में युद्ध मत करो, कि तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध तुम्हारा स्वभाव है,
क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को स्वभाव भी होता है युद्ध करना, उन्होंने समझाया है। ऐसे ही हवन करना, यदि तुम कहोगे मैं हवन करता हूं रोज, तो वो अहंकार में आ जाएगा, तो उसका फल आपको जन्म मरण के रूप में मिलेगा। यदि आप स्वभावता ये क्रिया बन गया है, ये है आदत में आ गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका हम जिक्र किसी से नहीं करते वो हमारा स्वभाव कहलाता है, तो वो बंधन का कारण नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमने चार चीजों को जान लिया है, अब चार और बची है। इसमें बोला गया है वैराग्याद प्रकृति लय, संसारो भवति राजसाद रागात। ठीक, आगे है ऐश्वर्य ऐश्वर्याद विघातो विपर्यास विपर्यास सह, इसमें तद तद शब्द लगा हुआ है, तद विपर्या साध, ये शब्द है, मतलब वैराग्याद प्रकृति लय। अब हमने जाना था कि धर्म से स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं, अधर्म से पाताल आदि लोग मिलते हैं, ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, और बंधन से अज्ञान से बंधन मिलते हैं, तीन प्रकार के जो जान लिए थे हमने। वैराग्य से प्रकृति में लय हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को वैराग्य हो जाए प्रकृति में वो लय हो जाता है और वहीं वो लीन रहता है, लेकिन इससे भी मोक्ष नहीं मिलता जब तक आपको उस ये चीज प्राप्त नहीं होगी, यानी कि आपको विवेक ख्याति शब्द नहीं मिलेगा, विवेक ख्याति नहीं हो पाएगी। विवेक ख्याति होता है सारी चीजों को जानने की प्रक्रिया है, वो ना होगा तब तो का ज्ञान ना होगा, केवल वैराग्य से कुछ नहीं होगा। वैराग्य से क्या होगा, इतना हो जाएगा आप प्रकृति में लय हो जाएंगे, मूल प्रकृति में लय हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, और उसी में हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। संसारो भवति राजसाद रागात, राजसाद रागात यहां किसके के लिए प्रयोग किया गया है, वैराग्य का अपोजिट उल्टा अवैराग्यात, यानी अवैराग्य से संसार होता है, जैसे विपर्यात यानी अज्ञान से बंधन होता है, इससे ही अवैराग्य से भी संसार ही होता है, यानी वैराग्य नहीं है तो संसार में तो आप काम कर ही रहे हैं, राग के कारण ही तो संसार है, राग नहीं तो कारण नहीं, प्रेम भी एक राग का ही कारण हो सकता है सांसारिक प्रेम, तो वो राग से क्या होगा, संसार होता है, यानी आपको संसार में गति मिलती है, संसार में रहते हैं आप, संसार मिलता है। ऐश्वर्याद विघातो, और ऐश्वर्य जो बताए थे आपको अणिमा लघमा गरिमा महिमा, जो ऐश्वर्य थे उनसे अविघातो किसी भी चीज प्राप्त करने में आपको हानि नहीं होती, अर्थात सभी चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होती चली जाती हैं, यदि ऐश्वर्यता को आप प्राप्त हो जाते हैं तो। विपर्यात तद विपर्यासात, विपर्यासात नहीं विपर्यासह, विपर्यासह विपर्यासह, ठीक है, और विपर्यात तद विपर्यासह अर्थात उसके उल्टे होने से, किसके उल्टे होने से, ऐश्वर्य के, ऐश्वर्य का उल्टा क्या, अनैश्वर्य होने के कारण आपको कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं होती, सब में बाधाएं पड़ती रहती है, क्योंकि विघात यहां पर अविघात है वहां पर विघात होगा, क्योंकि दो शब्द हैं विपर्यात तद विपर्यासात विपर्यास, यानी कि उस अनैश्वर्य से ऐश्वर्य से तो आपको किसी भी चीज प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं होती, कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है पड़ती, लेकिन जैसे ही आप अनैश्वर में पहुंचते हैं, अनैश्वर बुद्धि, बुद्धि का जो भाव होता है अनैश्वर भाव में रहता है अगर पुरुष, तो उसको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती, इसको आप भाग्य से भी तुलना कर सकते हैं, तो बुद्धि के कारण ही आपको सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ये यदि किसी के पास है चारों चीज तो वो भाग्यशाली हो जाएगा, ये हो जाएंगे तो वो
दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। विवेक ख्याति जिसके पास हो जाएगी तो वो ना दुर्भाग्यशाली होगा ना भाग्यशाली होगा, वो सबसे परे चला जाता है। ये इसके कारण है। एक बार भाव रूप में थोड़ा सा जल्दी बता दूं, बड़ी लंबी सी कहानी हो गई है। सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिक व्यकृताश्च धर्मादि। धर्मादि जो भाव हैं आठ, वो दो प्रकार के हैं, स्वभाव सिद्ध यानी कि जन्म से ही प्राप्त होते हैं कुछ, और कुछ भाव हैं उनको बड़ा कृत्रिमता से अर्थात तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर, मेहनत के बल पर उनको बढ़ाया जा सकता है, ये इनका तात्पर्य है। दूसरा दृष्टा, जैसे इसके उदाहरण भी अगर देख सकते हैं, कपिल आदि जो ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने सांख्य कारिका का लिखी है, वो स्वभाव सिद्ध थे अर्थात सांसिद्धिक थे, लेकिन हमारे वाल्मीकि ऋषि हैं वो व्यकृत थे, उन्होंने तपस्या के बल पर आपको ऋषि बनाया था, पहले वो डाकू थे। अंगुलमाली डाकू था लेकिन बाद में वो भी भगवान बुद्ध के प्रवचन के द्वारा ऋषि बन गए। ठीक है, दृष्टा कर्णाश्रय कार्याश्रयणाश्च कललाद्य। कललाद्य जो है वो कार्य का आश्रित है, स्थूल शरीर का आश्रित है, और दृष्ट और जो कर्ण कर्णाश्रय और धर्मादि जो है वो कर्ण पारस आश्रित है अर्थात बुद्धि पर आश्रित है। धर्म से ये तो मैंने बताई दिया है कई बार, इसमें विपर्यास ये ध्यान रखना है। दाक्षिणिक जो तीसरा प्रकार है उसमें यज्ञ आदि को भी इन्होंने बंधन के रूप में माना है और भयंकर बंधन माना है, जन्म मरण में वो बार बार फंसते रहते हैं। इस तरह से थोड़ी सी बातें थी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।